स्क्रीन दिख रही है सबको? यस सर। हाँ, तो अब मेरे को पहले बताओ कि किस किस ने इक्वेशन निकाली। सर मैंने निकाली है सर, सोडाबर्ग की निकाली। मैंने निकाली सर। ओके ओके। ये दिख रहा है डायग्राम सबको? ये डायग्राम सबको दिख रहा है? हाँ सर। इसको हटा देते हैं, पहले उसका कर देते हैं सोडरबर्ग का। तो सोडरबर्ग की इक्वेशन क्या निकली, कोई बताएगा मेरे को? एक कोई भी एक बताइए। सिग्मा एन, सिग्मा एम, सिग्मा एम अपॉन एस वाई टी, एस वाई टी प्लस सिग्मा ए, प्लस सिग्मा ए अपॉन एसी, सिग्मा अपॉन एसी, एसी इंड्यूरेंस स्ट्रेंथ, एसी इंड्यूरेंस। ओके ओके। इक्वल टू वन अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। वन अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। यस सर। अच्छा, ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी तो मैंने बताया ही नहीं सर। वो मैंने देखा था जो उसमें मिलता था सर, वो से थोड़ी देख ली। डिजाइन के लिए सर। चलो कोई नहीं, इसको आप ही भूल जाइए। ठीक है, कोई और बताइए। सही किया है बेटा, सही निकाला है, गलत नहीं निकाला है ना सर। इसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी हट जाएगा सिर्फ, और वन हो जाएगा इक्वल, केवल इक्वेशन। हाँ हाँ, मैं मान रहा हूँ आपने सही किया है, मैं बोलते रहा हूँ सही किया। कोई और मतलब सबका यही आया होगा है ना, सबका यही आया होगा है ना। तो ये कैसे आया, मैंने आपको बताया था। एक तो देखिये मैं भी मेरे को उम्मीद है कि कई लोगों ने नहीं किया होगा, बस एक ही मैं बता रहा हूँ, बाकी की इक्वेशन मैं लिख दूंगा। यहाँ पे होता है, मैं एस ई और एस वाई नहीं लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ सिग्मा ई और सिग्मा वाई लिखता हूँ। तो यहाँ पे भी सिग्मा ही लिखूंगा। तो यहाँ पे होता है सिग्मा ई, यहाँ पे होता है, और मैं जनरलाइज फॉर्मूला चलता हूँ, मैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी को इंक्लूड नहीं करता हूँ। ठीक है, ये इंक्लूड किया है, ये है जनरलाइज, और ये जो लाइन है जो बनाया है फैक्टर ऑफ सेफ्टी को इंक्लूड करके है। अगर फैक्टर ऑफ सेफ्टी का डिवाइड करेंगे तो ये लाइन बनेगी, मतलब ऐसा हो जाएगा टोटल मिला के, मैं बता रहा हूँ देखिए, और ये हो जाएगा सिग्मा वाई। ठीक है, तो पहले इस लाइन की बात करते हैं, उसके बाद ये लाइन कहाँ से आई मैं बताऊंगा ये। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कोऑर्डिनेट है देखो वाई एक्सिस है, तो y एक्सिस पे सिग्मा e है, और x का कोऑर्डिनेट जीरो है, तो x जीरो हो गया, और y की वैल्यू कितनी हो गई, सिग्मा e हो गई। और यहाँ पे इस वाली लाइन में आपकी y की वैल्यू जीरो है और x की वैल्यू सिग्मा y है, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, सिग्मा y कॉमा जीरो। ठीक है, तो इसको मैंने मान लिया x1, y1, इसको मान लिया x2, y2, ठीक है, x2, y2। तो अपनी इक्वेशन क्या है, इस इक्वेशन है y माइनस y1 इज इक्वल टू, यहां पे अच्छे से नहीं लिखा आ रहा है, y माइनस y1
इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ठीक है, ये इक्वेशन होती है कि नहीं? ठीक है, तो y की जगह पे क्या पुट करेंगे? y की जगह पे पुट क्या किया जाएगा? y एक्सिस पे क्या है आपका? सिग्मा ए। y एक्सिस पे है सिग्मा ए और x एक्सिस पे क्या है? मीन स्ट्रेस सिग्मा m। तो x की वैल्यू क्या है? सिग्मा m। y की वैल्यू क्या है? सिग्मा a। तो y की जगह पे मैं लिखूंगा सिग्मा a। ठीक है, माइनस y1 कितना है? जीरो। इज इक्वल टू y2 कितना है? y2 है सिग्मा e। y1 कितना है? जीरो। तो ये माइनस जीरो हो जाएगा, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अपॉन x2 कितना है? जीरो। जीरो माइनस x1 कितना है? सिग्मा y। तो ये हो गया ब्रैकेट में। ठीक है, इनटू x कितना है? x से सिग्मा m और x1 कितना है? x1 है ये सिग्मा y। ठीक है, सो इक्वेशन क्या हो जाएगी अपनी? यहाँ पे अपन इसको सिंप्लीफाई करके ऐसा लिख सकते हैं, तो सिग्मा a इंटू सिग्मा a इंटू सिग्मा y लिख सकता हूँ। सिग्मा y को इधर लेके आए तो ये जीरो तो इधर है ना, और ये माइनस है, तो मैं इसको लिख लूंगा सिग्मा y माइनस सिग्मा m लिख दूंगा, तो माइनस कंपनसेट हो जाएगा, तो इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा e इंटू सिग्मा y, सिग्मा e इंटू सिग्मा y माइनस सिग्मा e इंटू सिग्मा m, सिग्मा e इंटू सिग्मा m। ठीक है, अब इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग इसको बना लीजिए जैसा बनाना है। कैसे करना है, कैसे करें अपन बताइए, किसको कॉमन लेके आए कि इक्वल टू वन आ जाए यहाँ पे? सिग्मा वाई को करें। ये सही लिखा है कि नहीं? गलत तो नहीं किया, कहीं पे गलती तो नहीं की है? इस इक्वेशन को मैं फिर से लिख रहा हूँ दूसरे पेज पे, मेरे को आप बताइए, क्योंकि मैं बार बार सिग्मा ए सिग्मा ए सिग्मा वाई सिग्मा ई सिग्मा वाई सिग्मा ए सिग्मा वाई इज इक्वल टू सिग्मा ई सिग्मा वाई माइनस क्या था? सिग्मा ई इंटू सिग्मा एम। ठीक है, तो अपन को इक्वेशन कैसे चाहिए देखो, क्योंकि अपन डेरिवेशन करते हैं, तो एक बात याद रखना हमेशा, मैं जो फॉलो करता हूँ सिस्टम जो डेरिवेशन का, जब अपन एग्जाम में बैठते हैं तो मैं डेरिवेशन का जो है ना रिजल्ट दिमाग में रखता हूँ, स्टेप उसके अकॉर्डिंग मेरे को फिर मैं उसके हिसाब से स्टेप्स को उसके अकॉर्डिंग फिर बनाता हूँ। फिर मेरे को स्टेप समझ में नहीं आ रही आगे मैं क्या करूँ, तो मेरे इस दिमाग में ये है कि इसकी इक्वेशन जो बनेगी वो क्या बनेगी, सिग्मा क्या बनेगी वो भी भूल गया, सिग्मा एम अपॉन सिग्मा वाई प्लस सिग्मा E upon, sorry, sigma, A upon sigma, sigma A upon sigma A upon sigma E E is equal to one। ठीक है, ये मेरे को पता है कि ये सॉल्व अपन को रिजल्ट मिलना है, तो उसके अकॉर्डिंग इसको मैं बनाने की कोशिश करूंगा।
तो सिग्मा एम अपॉन सिग्मा वाई कैसे आएगा, सिग्मा एम अपॉन सिग्मा एम कहाँ दिख रहा है, ये सिग्मा एम सिग्मा वाई को कॉमन ले लेंगे सर, सिग्मा 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 ई और सिग्मा वाई को कॉमन ले लेंगे सर, सिग्मा ई और सिग्मा वाई को दोनों को कॉमन ले लीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे सिग्मा वाई को पहले डिवाइड कर लेते हैं, पहला काम कर लेते हैं, सिग्मा ए इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा ई माइनस, ठीक है देखिए सिग्मा वाई को कॉम यहाँ सिग्मा वाई को नीचे लेके जाऊंगा अगर, तो यहाँ अगर मैं सारी इक्वेशन को सिग्मा वाई से डिवाइड कर दूंगा तो सिग्मा वाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा सिग्मा ए, यहाँ पे भी सिग्मा वाई कैंसिल बचेगा होगा, यहाँ पे बचेगा सिग्मा ई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा सिग्मा ई सिग्मा एम अपॉन सिग्मा वाई होगा। अब अपन को एक टर्म तो आ गई, एक टर्म आ गई क्या, सिग्मा एम अपॉन सिग्मा वाई, बाकी क्या बची, सिग्मा ए अपॉन सिग्मा ई, सिग्मा ए अपॉन सिग्मा ई बचा, तो मैं दोनों पूरी इक्वेशन में सिग्मा ई का डिवाइड कर देता हूं, तो सिग्मा ए अपॉन सिग्मा ई इज इक्वल टू, अगर इसमें डिवाइड करेंगे तो ये इक्वल वन आएगा, माइनस ये हो जाएगा सिग्मा एम अपॉन सिग्मा वाई हो जाएगा, बन गई इक्वेशन, ठीक है। तो अपन को स्टेप्स कभी भी दिमाग में न रखें, रिजल्ट को दिमाग में रखें, स्टेप्स अपने आप बनते जाती हैं, ठीक है ना। तो ये आपकी इक्वेशन बन गई, ऐसे ही सोडरबर्ग, ये सोडरबर्ग की है, ऐसे ही गुडमैन की क्या आती है, ये सोडरबर्ग की है बेटा, ठीक है सोडरबर्ग, ठीक है ऐसे ही गुडमैन की आती है, गुडमैन की क्या आएगी सिग्मा एम, बेटा जब बोलना हो ना तभी आप अपना मतलब अनम्यूट किया कीजिए, नहीं तो म्यूट रखिए, वीडियो खराब हो जाएगा, आपको रिकॉर्डिंग जो मिलेगी वीडियो रिकॉर्डिंग वो आपकी खुद ही खराब होगी, आपको ये अच्छा नहीं लगेगा, है ना। तो सिग्मा एम अपॉन सिग्मा यू, ठीक है सिग्मा यू प्लस सिग्मा ए अपॉन सिग्मा ई इज इक्वल टू वन, ठीक है ये है किसकी, गुडमैन, ये गुडमैन की है, ठीक है। क्या डिफरेंस है, सिग्मा वाई की जगह पे क्या आ गया सिग्मा यू, मतलब यील्ड स्ट्रेस की जगह पे आ गया अल्टीमेट स्ट्रेंथ आ गया। अब आप बोलेंगे कि क्या गड़बड़ पैराबोला की इक्वेशन क्या होगी, गड़बड़ पैराबोला की भी इक्वेशन कोई डिफरेंस नहीं है, बस इसका स्क्वायर हो जाता है और कुछ नहीं, सिग्मा एम अपॉन सिग्मा यू ही रहेगा, सिग्मा यू, क्योंकि गड़बड़ पैराबोला भी अल्टीमेट स्ट्रेंथ पे ही काम करता है, का स्क्वायर प्लस सिग्मा ए अपॉन सिग्मा ई इज इक्वल टू वन, ये है किसकी, ये है गड़बड़ की इक्वेशन, गड़बड़ लाइन की इक्वेशन, ठीक है। तो इक्वेशन याद करना ज्यादा टफ नहीं है, बट एक चीज की दिक्कत है जो मेरे साथ होती है वो मैं आपको बता रहा हूँ क्या दिक्कत आती है, मैं सबसे बड़ी गलती क्या करता हूँ, गलती ये कर देता हूँ, मैं से सबसे बड़ी गलती जो हो जाती है वो गलती ये हो जाती है, मैं जस्ट उल्टा इक्वेशन लिख लेता हूँ कभी कभार एग्जाम में, सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एम प्लस सिग्मा ई अपॉन सिग्मा ए इज इक्वल टू वन। सो इस गलती की वजह से आपका जो आंसर है वो गलत आता है, और आपको कमाल की बात ये बताऊंगा, कमाल की बात यह है कि इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और गेट में आपको आंसर इस इक्वेशन से भी मिलना है ऑप्शन, और अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करके आंसर निकाल रहे हैं और गेट में ऑप्शन मिलेगा तो आप तो 100% टिक लगा के आओगे और आपको माइनस मार्किंग हो ही जाएगी, ठीक है। तो ऐसी गलती, ये गलती मेरे साथ होती है इसलिए मैंने आपको बता दी, ये कॉमन गलती है, अपन गलती करते हैं क्योंकि हर जगह सिग्मा सिग्मा है,
तो y की जगह पे m, m की जगह पे y होने में कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो ऐसी गलतियां ना करें, मैं ऐसी ये गलती करता हूँ इसलिए मैंने आपको बताऊं ऐसी गलती ना करें, है ना। सोडाबर्ग में अपन सिग्मा, देखिए इक्वेशन याद करना टफ नहीं है, क्योंकि देखिए आपको हर इक्वेशन पूरा सारी इक्वेशन देखिए बिल्कुल आसान है याद करना। यहाँ पे सिग्मा वाई है, यहाँ पे सिग्मा यू है सिग्मा वाई की जगह पे, और गुडमैन और गड़बर के बीच में बस डिफरेंस क्या है, बस इसमें इसका स्क्वायर हो जाता है और ये एज इट इज रहता है। अब रही बात फैक्टर ऑफ सेफ्टी को कैसे इंक्लूड करें, और आपको मैंने बोला था, आपको बोला था कि आपको फैक्टर्स को कैसे इंक्लूड करना है, फैक्टर्स को इंक्लूड करके इक्वेशन कैसे करनी है उसको याद करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है आपको। अपन को फैक्टर्स को इंक्लूड करना आता है, फैक्टर अगर ग्रेटर देन वन है तो स्ट्रेंथ के साथ डिवाइड किया जाता है, फैक्टर अगर लेस देन वन है तो स्ट्रेंथ के साथ इंटू किया जाता है। यही बताया था, बस यही तरीका अपनाऊंगा। अब आप एक काम करना, बस कोई भी एक बुक उठाना और उसमें देखना, इतने बड़े बड़ी इक्वेशन बनाई हुई है सोडरबर्ग और गुडमैन की फैक्टर्स को लेके, अपन वो इक्वेशन याद बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अपन क्या है, अपन अपना इक्वेशन खुद बनाएंगे। अब पहले फैक्टर ऑफ सेफ्टी को इंक्लूड करते हैं, ठीक है। मैं सिंपल एक इक्वेशन ले रहा हूँ, कौन सी सोडरबर्ग की, सबसे पहले सोडरबर्ग की ले रहा हूँ, सेकंड में लूंगा गड़बर पैराबोला की, तीसरा अपन को गुडमैन की लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि सोडरबर्ग की जो इक्वेशन आएगी वैसी इक्वेशन आपकी किसकी आएगी, मतलब गुडमैन की आएगी, ठीक है। तो मैंने एग्जांपल लिया सिग्मा एम अपॉन सिग्मा वाई प्लस, और इसको मैं कैसे याद करता हूँ वो भी बता देता हूँ याद करने का तरीका, सिग्मा ए अपॉन सिग्मा ई इज इक्वल टू वन, ठीक है। इस इक्वेशन को मैं कैसे याद करता हूँ, मीन स्ट्रेस क्या है इसके, कौन सी स्ट्रेस होती है, स्टैटिक स्ट्रेस, और स्टैटिक स्ट्रेस को अपन कौन सी स्ट्रेंथ के साथ अपन डिजाइन करते हैं, यील्ड या फिर अल्टीमेट के साथ डिजाइन करते हैं। तो मीन स्ट्रेस के साथ क्या आएगा, या तो अल्टीमेट स्ट्रेंथ आएगा या तो यील्ड स्ट्रेंथ आएगा, तो सिग्मा एम अपॉन सिग्मा वाई, और जब स्ट्रेस एम्पलीट्यूड या फिर वेरिएबल स्ट्रेस हो जब होता है तो अपन डिजाइन किस पे करते हैं, एंड्योरेंस लिमिट पे डिजाइन करते हैं। तो जब अपन वेरिएबल स्ट्रेस की बात करते हैं, जब ये स्ट्रेस एम्पलीट्यूड जहाँ पे आएगा वहां पे क्या इंक्लूड होगा आपका, सिग्मा ई, तो सिग्मा ए अपॉन सिग्मा ई हो जाएगा। तो मैं ऐसे याद करता हूँ, तो आप चाहो तो आप भी ऐसे ही याद कर सकते हो इस इक्वेशन को। अब मेरे को करना है फैक्टर ऑफ सेफ्टी को इंक्लूड, और फैक्टर ऑफ सेफ्टी होती है ग्रेटर देन वन। अब इस इक्वेशन में स्ट्रेंथ कौन सी है, तो सिग्मा वाई स्ट्रेंथ है, सिग्मा वाई क्या है, यील्ड स्ट्रेंथ है, और सिग्मा ई क्या है, ये भी स्ट्रेंथ है, एंड्योरेंस स्ट्रेंथ। सिग्मा एम स्ट्रेंथ नहीं है, हम अपन निकालते हैं मीन स्ट्रेस, जो फोर्स अपन देते हैं उसी से ही मीन स्ट्रेस निकलता है, वो स्ट्रेंथ नहीं है। और सिग्मा ए भी अपन निकालते हैं मैक्सिमम स्ट्रेस और मिनिमम स्ट्रेस से, तो वो भी कैलकुलेटेड स्ट्रेस है, ये भी स्ट्रेंथ नहीं है। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगर ग्रेटर देन वन है तो स्ट्रेंथ के साथ डिवाइड किया जाता है, और यहाँ पे स्ट्रेंथ अवेलेबल है कौन सी, एक तो सिग्मा वाई और दूसरा सिग्मा ई। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी का डिवाइड किस किस के साथ किया जाएगा, सिग्मा वाई के साथ और सिग्मा ई के साथ। तो सिग्मा वाई के साथ डिवाइड किया फैक्टर ऑफ सेफ्टी का, तो अपॉन एफ ओ एस अपॉन एफ ओ एस, ठीक है। अब एफ ओ एस को कॉमन निकालेंगे तो इक्वेशन क्या बनेगी आपकी, सिग्मा एम अपॉन सिग्मा वाई प्लस सिग्मा ए अपॉन सिग्मा ई इज इक्वल टू वन अपॉन एफ ओ एस। अब बताओ याद करने की जरूरत पड़ी कहीं पे बेटा, किसी को डाउट तो नहीं है, याद करने की जरूरत तो नहीं पड़ी, ठीक है। अपने आप इक्वेशन बन गई है, इसलिए मैंने बोला कि इस इक्वेशन को अभी इंक्लूड ना करें, मैंने आपको यहाँ पे ये क्रॉस इसीलिए किया था, यहाँ पे इसको क्रॉस इसीलिए किया था
क्योंकि अपन को याद ये नहीं करना है, याद अपन को इक्वेशन क्या करनी है, अपन को याद इक्वेशन ये वाली करनी है, ये वाली याद करनी है। जब इक्वेशन को याद करनी होती है तो अपन कैसे मार्क बनाते हैं इंजीनियरिंग में, इंजीनियरिंग में जब किसी इक्वेशन को याद करना होता है तो ऐसे बॉक्स बनाया जाता है और ऐसे करके ऐसा किया जाता है। इसका मतलब ये है कि इस इक्वेशन को याद करना है, ठीक है। तो अपन को इसको याद नहीं करना है, हमें करना है इसको याद, इसको तो अपन को बनाना है, अपन को। और बनाने में टाइम वेस्ट होगा क्या? कुछ नहीं होगा टाइम वेस्ट, डिवाइड बाय एफओएस करना है और कुछ नहीं करना है बेटा, ठीक है। ऐसे ही और इक्वेशन ऐड कर सकते हैं, और जैसे मान लो अपन ने क्या पढ़ा है अभी, फैक्टर ऑफ सेफ्टी, और भी फैक्टर ऑफ सेफ्टी इंक्लूड करते हैं, जैसे कि जैसे और फैक्टर ऑफ सेफ्टी है इंक्लूड, जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया नहीं है, देखिए यहाँ पे एक टॉपिक है जो बहुत बुक्स में होती है, रिवाइज्ड एंड्योरेंस स्ट्रेंथ। कौन से फैक्टर आपको दिख रहे हैं? साइज फैक्टर, लोड फैक्टर, रिलायबिलिटी फैक्टर, मॉडिफिकेशन फैक्टर, सरफेस फिनिश फैक्टर, टेम्परेचर फैक्टर, मिसलेनियस फैक्टर। देखिए इसकी एक इक्वेशन बनी हुई है सारी, देखिए। अब ये सारे फैक्टर जो हैं लेस देन वन होते हैं, ये सारे फैक्टर लेस देन वन होते हैं, इसीलिए स्ट्रेंथ के साथ इंटू किए गए हैं। तो इनमें से कोई दो चार फैक्टर ले लेते हैं। मान लिया मैंने एक सरफेस फिनिश फैक्टर ले लिया, के सरफेस फिनिश ले लिया, सरफेस फिनिश, ठीक है। टेम्परेचर ले लिया, के टी ले लिया, और मैं के स्मॉल टी भी ले लेता हूँ, ठीक है। थ्योरेटिकल स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर भी ले लेता हूँ, ठीक है। ये तीन ले लेते हैं और एक इक्वेशन बना लेते हैं, और फैक्टर ऑफ सेफ्टी तो है ही, ठीक है। तो के सरफेस फिनिश लेस देन वन होता है, के टेम्परेचर लेस देन वन होता है, के स्मॉल टी ग्रेटर देन वन होता है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी ग्रेटर देन वन होता है। अब अपन को बनानी है इक्वेशन, याद नहीं करना है अपन को, याद रखना इक्वेशन अपने आप बन के आएगी बेटा, याद नहीं करना है, बुक में देखोगे याद करोगे। देखिए तो सिग्मा एम यहाँ पे स्ट्रेंथ के साथ ही इंक्लूड करना है, सिग्मा एम के साथ सिग्मा ए, ये दोनों क्या है, स्ट्रेस है, ये दोनों स्ट्रेस है, कैलकुलेटेड स्ट्रेस है, इसके साथ इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है। ये एज इट इज रहेंगे, सिग्मा एम अपॉन, अब बस आपको ये थोड़ा सा अपॉन जो है ये बड़ा बनाना होगा, सिग्मा वाई, ये क्या है आपका स्ट्रेंथ है। अब स्ट्रेंथ है तो जो लेस देन वन है उनको इंटू कीजिए, जो ग्रेटर देन वन है उनको डिवाइड कीजिए। सरफेस फिनिश लेस देन वन होता है तो के सरफेस फिनिश आपका यहाँ पे इंटू होगा इसके साथ, और के टी कैपिटल टी भी आपका लेस देन वन होता है तो ये भी इंटू होगा, डिवाइड बाय स्मॉल टी, ये ग्रेटर देन वन होता है तो सिग्मा वाई के साथ उसका डिवाइड किया जाएगा, और फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी ग्रेटर देन वन होता है तो ये डिवाइड किया जाएगा, ठीक है। प्लस सिग्मा ए अपॉन सिग्मा ई इनटू के सरफेस फिनिश इनटू के कैपिटल टी अपॉन के स्मॉल टी इनटू फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू वन। अब इसको कॉमन निकाल के इक्वल टू वन की ओर लेके जाना और आपकी इक्वेशन बन जाएगी। कितना टाइम लगा बेटा? या फिर अगर आपको इक्वल टू वन की ओर नहीं भी लेके जाना है तो इसकी तो वैल्यू आपको मिलेगी ना, कॉन्स्टेंट वैल्यू होती है, यहीं पे पुट कीजिएगा, यहीं पे सॉल्व कीजिएगा और क्वेश्चन का आंसर लेके आइएगा, ठीक है। तो ये आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है कहीं पे भी, फैक्टर्स को तो क्या मैं यही आपको बोल रहा हूँ, फैक्टर्स की इक्वेशन कहीं पे भी याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये आपका हो गया इंक्लूड, आपका ये कवर हो गया, कौन सा सोडरबर्ग इक्वेशन का कवर हो गया। अब मैं ऐसे ही सेम गुडमैन का होगा, सिग्मा वाई की जगह पे क्या मिलेगा आपको, सिग्मा यू होगा। बस दिक्कत क्या है, किसमें आएगी, गड़बड़ पैराबोला में स्क्वायर होता है तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत आएगी, तो उसको एक बार बता देता हूँ, ठीक है। उसमें भी कोई दिक्कत तो नहीं आने वाली है, बस ऐसे ही कहने की बात है, दिक्कत आती है। तो पहले मैं इसमें लिखूंगा, इसमें थोड़ा सा उल्टा लिखता हूँ, सिग्मा ए अपॉन सिग्मा ई,
प्लस सिग्मा एम अपॉन सिग्मा यू का स्क्वायर इज इक्वल टू वन। ये हमारी बेसिक इक्वेशन है जिसको अपन को याद करना है, जिसको अपन को याद करना है, ठीक है। अब अपन को फैक्टर ऑफ सेफ्टी को इंक्लूड करना है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी होती है ग्रेटर देन वन, तो स्ट्रेंथ के साथ उसका डिवाइड किया जाएगा। तो सिग्मा ए अपॉन सिग्मा ई अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी प्लस होल ब्रैकेट सिग्मा एम अपॉन सिग्मा यू अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी का होल स्क्वायर इक्वल टू वन। अब मैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी का स्क्वायर का निकाल के इधर भेजूं या फिर एक ही भेजूं, दोनों में से एक ही बात है। पहले तो मैंने फैक्टर ऑफ सेफ्टी को कॉमन निकाल लेते हैं, तो सिग्मा ए अपॉन सिग्मा ई यहाँ पे हो जाएगा प्लस यहाँ पे आपका एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी बच जाएगा जो चला जाएगा ऊपर, वो हो जाएगा फैक्टर ऑफ सेफ्टी इनटू सिग्मा एम अपॉन सिग्मा यू, और एक कहाँ चला जाएगा जो कॉमन निकाला है वो इधर। तो बुक में जो दिया हुआ ये इक्वेशन दी हुई है, आप याद करते हैं ये इक्वेशन, अपन को याद करने की जरूरत नहीं है और ये इस इक्वेशन तक लेके आने की भी जरूरत नहीं है। अपन यहीं पे ही फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू पुट करें और क्वेश्चन को सॉल्व कर दें, ठीक है। ये भी लेके आने, इक्वेशन लेके आने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं बस इसलिए लेके आ रहा हूँ क्योंकि बुक्स में आपको ऐसी इक्वेशंस दिखेंगी, ठीक है, और आप ऐसी इक्वेशंस फिर याद करते हैं। मैं जस्ट उसी वजह से ये इक्वेशन आपके लिए आपके सामने लेके आ रहा हूँ, ठीक है। कितना आसान है ये इक्वेशंस लेके आना और आप लोग याद करते हैं इतनी सारी इक्वेशंस, और कितना मतलब वेस्टेज है इसका आपके माइंड का, वो मैं बताना चाहता हूँ, इसलिए ये लेके आता हूँ। तो यहाँ पे अपन को इस इक्वेशन पे तक लेके आने की जरूरत भी नहीं है, डायरेक्टली यहाँ पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी का डिवाइड कीजिए, यहाँ पे ही फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू पुट कीजिए और आंसर लेके आइए, ठीक है। और इस इक्वेशन को लेके आने की जरूरत भी नहीं है, कॉमन वॉमन कुछ निकालने की जरूरत भी नहीं है। आया समझ में? तो ये है गड़बड़ पैराबोला की इक्वेशन, ठीक है, समझ में आया? ठीक है, तो यस सर, ठीक है। तो किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है। अब पहले तो मैं एक बार ये भी क्लियर कर देता हूं। अब देखिए ये जो है, जैसे मैंने ये पॉइंट था सिग्मा वाई, ये पॉइंट था सिग्मा ई, तो ये वाला जो पॉइंट, ये जो लाइन बनाई है ना, ये लाइन, ये पॉइंट जो पॉइंट है वो है सिग्मा वाई में फैक्टर ऑफ सेफ्टी का डिवाइड करके फैक्टर ऑफ सेफ्टी का डिवाइड किया गया है। और ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, इसमें सिग्मा ई में फैक्टर ऑफ सेफ्टी का डिवाइड किया गया है। तो जस्ट फैक्टर ऑफ सेफ्टी एक कांस्टेंट टर्म है जिसका डिवाइड किया गया है, तो ये जो वैल्यू होगी इतनी, ये जो वैल्यू दिख रही है ये क्या है, ये जो कम हो रहा है वो वैल्यू क्या है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी कम हो रही है। मतलब ये इतना जो है, ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक वैल्यू है वो फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू है, ठीक है। तो ये लाइन आपकी बन जाएगी स्ट्रेट लाइन। तो इस कोऑर्डिनेट की वैल्यू है सिग्मा ई अपॉन एफ वाइस और सिग्मा वाई अपॉन एफ वाइस, इसकी है सिग्मा वाई और सिग्मा ई, ठीक है, यही डिफरेंस है। अब आप पूछिए क्या पूछना है, किसी को डाउट था? किसी को डाउट था? कोई कोई कुछ क्वेश्चन पूछ रहा था, पूछ सकता है। बेटा क्वेश्चन पूछिए आप, किसी को कोई डाउट? नेक्स्ट क्लास से अपन न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, इसलिए अभी क्लियर हो जाना चाहिए आपको डाउट। एक और क्राइटेरिया है जो जिसका नाम है मॉडिफाइड गुडमैन क्राइटेरिया, जिसका नाम है मॉडिफाइड गुडमैन क्राइटेरिया, जो कि
किसके लिए एप्लीकेबल है? वो डक्टाइल मटेरियल के लिए एप्लीकेबल है, डक्टाइल मटेरियल के लिए एप्लीकेबल है। तो गुडमैन ने अपना मॉडिफाइड क्राइटेरिया दिया, जिसमें उसने बोला कि मेरा क्राइटेरिया आप यील्ड उसमें उसमें आप सॉरी डक्टाइल मटेरियल के लिए भी आप यूज कर सकते हैं मेरा क्राइटेरिया। तो उसका नाम उसने रखा मॉडिफाइड गुडमैन क्राइटेरिया। तो जब अपन नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो पहले तो अपन न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल्स इससे रिलेटेड सॉल्व हो जाएंगे। तो उसके बाद जो क्लास होगी उसमें हम मॉडिफाइड गुडमैन क्राइटेरिया को पढ़ेंगे। सिंपल कुछ नहीं है उसमें, उसमें बस इंक्लूड किया गया है यील्ड स्ट्रेस को भी इंक्लूड किया गया है, आपके जो आपका जो उसमें थोड़ा सा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। तो वो बड़ा आसान है आपको समझना, वो समझा दूंगा मैं आपको, ठीक है। अभी आपको इससे रिलेटेड, तीन थ्योरी से रिलेटेड किसी को भी डाउट हो तो अभी पूछिए। मैंने पूरी कोशिश की है फैक्टर्स में आप उलझे ना, याद करने की कोशिश ना करें इक्वेशंस को। अल्टीमेटली आपको क्वेश्चन यही आने वाले हैं, डायरेक्टली इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। सो और इवन गेट में भी जो क्वेश्चन आते हैं वो इक्वेशन बेस्ड ही क्वेश्चन आते हैं, अगर इस टॉपिक से आना होता है तो। बस यही दिक्कत और टेंशन, यही दिक्कत फैक्टर का ही यहाँ पे आपको खेल होता है और कोई खेल नहीं होता है। अगर आपको फैक्टर्स के साथ खेलना आता है तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। फिर आप गेट के एग्जाम में बैठे हैं, चाहे आईईएस के एग्जाम में बैठे हैं, चाहे आरटीयू के एग्जाम में बैठे हैं, अगर आपको फैक्टर्स के साथ खेलना आता है तो आप बड़ी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट टाइम पूछता हूँ, किसी को डाउट है क्या? चलिए ठीक है, आज की क्लास यही खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन न्यूमेरिकल्स के साथ मिलेंगे, ठीक है। और कैलकुलेटर सभी लोग अपने हाथ में रखें, ठीक है। आपके पास कैलकुलेटर होगा, मोबाइल से कैलकुलेटर ना चलाएं, आपको जो आदत है वो वाले कैलकुलेटर की वही आदत रखें, ठीक। कैलकुलेटर का अपने साथ रखें और न्यूमेरिकल ही नेक्स्ट क्लास में अपन यूज करेंगे, ठीक है। अटेंडेंस चाहो तो देख सकते हैं, अदर्स क्या है ये। चलिए ठीक है, आप में से कोई ऐसा जिनका नाम नहीं आ रहा है अभी, अंशुल शर्मा है, विठल छब्बिल, दीपक कुमार पांडे, दीपक सेन, दिव्यांग, हार्दिक, हर्ष, हर्षित, माया। सर मेरा प्रमोद नाम नहीं आ रहा है। प्रमोद कुमावत नहीं आ रहा है सर, अभी लास्ट पार्ट है भी नहीं। आज अब आ गया, रंजन जी नहीं आ रहा सर, अभी लास्ट पार्ट है। तो बेटा ज्वाइन अभी करोगे तो कैसे आएगा? चलो शुरू से कर रहा हूँ। हेलो बेटा, ये दो दो आईडी से आपको, मैंने आपको पहले ही बोला है आपको कॉलेज आईडी से ही लॉगिन करना है। कॉलेज की जो आईडी दी गई है उसी से लॉगिन करोगे तभी आपकी यहाँ पे अटेंडेंस लग पाएगी, अदरवाइज अटेंडेंस नहीं लग पाएगी। अभी आपका जो यहाँ पे मार्क नहीं हो पा रहा है, नहीं तो इम्बेल्ट मार्क हो जाता है। अभी भी आपको बोल रहा हूँ, जितने लोग भी आप हैं अपनी कॉलेज आईडी से ही लॉगिन करें, ठीक है। जैसे मेरा कॉलेज आईडी से कर रहा था, जिसका कॉलेज आईडी से लॉगिन नहीं है उसका भी मार्क नहीं है। देखिए और किसका नहीं है, प्रमोद का हो गया, प्रिंस जिंगर सर, मेरा भरत कुमार तेली, हाँ तेली, भरत कुमार तेली, आप कॉलेज आईडी से लॉगिन है? यस सर, कॉलेज आईडी। तो फिर यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा है सर? राहुल जोशी सर, पंजे, मैं एक एक करके नाम ले रहा हूँ, आखिरी में एक एक करके बताना, ठीक है, जिसका भी नहीं है। चलो अभिलाष हो गया, अंशुल हो गया, भरत हो गया, विठल, छब्बिल, दीपक सेन, दिव्यांग, हार्दिक, हर्षित, माया, प्रज्ञेश, प्रमोद, राघव, उमेश, विनोद, यशवर्धन, राहुल जोशी भी सर। हम, मेरा नहीं है राहुल जोशी सर, मेरा ये राहुल जोशी है नहीं, आया तो है ग्रीन
सर मेरा भी नहीं आया मनीष करके नाम बोलो संदीप जी का नहीं आया सर हेलो हेलो संदीप गिरी शुभम चौधरी सर मनीष शुभम चौधरी मनीष और किसका नहीं आया राहुल का राहुल जोशी का नहीं आया ये राहुल जोशी है तो बेटा ग्रीन साइन तो है तुम्हारा यस सर ठीक है और किसी का रह गया हो तो बताओ जिनका ग्रीन साइन है उनका प्रेजेंट है देखिए एक बार फिर से देख लीजिए ठीक है चलिए लेफ्ट कर रहा हूं मैं